नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि बहुजन समाज में अगर किसी को राजनीति सीखनी है तो वो बहन मायावती जी से सीखे। बहन जी बहुत भयंकर राजनीति करती हैं। आज डिबेट होगा, शाम में बहुत सारे टीवी चैनल्स पर आप देख सकते हैं। एक तीर से एक या दो नहीं कई शिकार कर देते हैं और एक एक दिन में कई कई नेताओं को लपेट लेते हैं। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी को लपेट लिया पसमांदा मुसलमानों के ऊपर, और दूसरे में आज आपको बता दूं 1 जुलाई को जो है दो यादव का जन्मदिन है और एक यादव को इतना आशीर्वाद दे दिया कि लगता है कि बहन जी कुछ बड़ा करने वाली है। और दूसरे यादव जो मंडल के मसीहा रहे हैं उनके बारे में कोई ट्वीट नहीं आया। अब मैं बात क्लियर कर देता हूं, वीडियो में बने रहिए, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है और बहन जी का जो है राजयोग शुरू होने वाला है। वो प्रधानमंत्री बन सकती है ऐसी कुछ सुगबुगाहट दिख रहा है और बहन जी ने भी भूमिका बांधना शुरू कर दिया है। सामने डिबेट होगा, लोग तरह तरह की बात करेंगे, आलोचक आलोचना करेंगे, कुछ लोग कहेंगे जाल फेंका है, बहुत तरह की बातें होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, शरद यादव जो दिवंगत नेता है जो हमारे बीच नहीं है, उनका भी जन्मदिन है। बहन मायावती जी ने उनके ऊपर कोई ट्वीट नहीं किया, जबकि मंडल कमीशन में अहम रोल हुआ करता था शरद यादव जी को, और ओबीसी जो आरक्षण आया था मंडल कमीशन का, तो शरद यादव उस वक्त के नेता हुआ करते थे। बीपी सिंह की सरकार थी, काफी उनकी चला चली थी, लेकिन बहन मायावती जी ने केवल जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी बल्कि यह भी कहा लंबी उम्र की कामना करती हूं, पूरा आशीर्वाद दिया है। और वह यादव है यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पे बिल्कुल बहन मायावती जी ब्रह्मो हो गई, आप उनका ट्वीट देख सकते हैं। तो क्या कहें, क्या आशीर्वाद दे रही है या निमंत्रण दे रही है कि सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है और बबुआ आजा हमारे पास, हम मिलकर पूरा बहुजन समाज एकजुट होकर मोदी जी का मुकाबला करें। और मोदी जी को भी कहां छोड़ा, उनसे ये मांग रख दी कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हम मान ही चुके हैं कि 80% पसमांदा मुसलमान दलित शोषित वंचित हैं, तो क्यों नहीं उनको आरक्षण देकर समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, उनका जीवन स्तर कुछ ठीक किया जाए। और जहां जहां बीजेपी की सरकार है जिन राज्यों में, तो केंद्र सरकार उनसे तो कह ही सकती है तत्काल प्रभाव से इनको आरक्षण वगैरह देकर, और जो बची खुची वैकेंसी है जो नौकरी है उनमें उनको डालकर इनका जीवन स्तर का सुधार किया जाए। अब प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, या तो आरक्षण दे, बहन मायावती जी की बात मान ले, या ये कह दे कि पसमांदा मुसलमान हमारा कोई मुद्दा नहीं है। फंस गए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, फंस गए बुरी तरह से। मध्य प्रदेश में उन्होंने बयान दिया और बहन मायावती जी ने उसी बयान को समर्थन करते हुए घेर लिया, और डिबेट का मुद्दा यह होगा कि बहन मायावती जी ने आज अखिलेश यादव को इतना आशीर्वाद दिया है जन्मदिन के ऊपर, क्या अखिलेश यादव जी रिटर्न गिफ्ट में क्या कहेंगे, क्या बहन मायावती जी के सामने आकर पैर छूकर आशीर्वाद लेंगे, तो लोग ये कहेगा ही कहेगा कि सपा और बसपा अब एक मंच पे आ गया। और यह वही सपा है, ये वही अखिलेश यादव जी हैं जो विपक्षी एकता में गए थे पटना में और अब बेंगलुरु में होने वाला है 12-13 जुलाई को। कहने का तात्पर्य हिमाचल में होने वाला था विपक्षी एकता, जो बेंगलुरु में होने वाला है, और विपक्षी एकता का एक मुख्य नेता जो है अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जी को अगर बहन मायावती जी अपनी टीम में ले लेते हैं तो असली विपक्ष कौन सा होगा, बसपा सपा वाला या आरजेडी और नीतीश कुमार वाला, और फिर राहुल गांधी क्या करेंगे।
और वह विपक्ष क्या करेगा। कहने का तात्पर्य कि अब आप यह नहीं कह सकते कि बहन मायावती जी किसी को इग्नोर करती हैं। भाई जन्मदिन का मौका था, आशीर्वाद दे दिया, पुरजोर आशीर्वाद दे दिया, अब तो बारी है अखिलेश यादव जी का। और रही बात यह, जब किसी नेता के ऊपर हमले होते हैं, नाटक नौटंकी होती है, तो सोशल मीडिया पे कुछ उनके समर्थक आते हैं, कुछ उनके विरोधी आते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमला हुआ है, सरकार कुछ बोले, बहन मायावती जी कुछ बोले, और कुछ लोग ये भी कहते हैं क्या पता लाइमलाइट में आने के लिए हमला करवाया गया हो, सुनियोजित या साजिश हो। इस तरह के बयान दो तरफा चलता रहता है, लेकिन ऑफिशियल ट्वीट बहन मायावती जी का आया है, स्पष्ट आया है, और उन्होंने अखिलेश यादव जी को शुभकामनाएं दे दी, लंबी उम्र की कामनाएं किया। अब बारी आती है अखिलेश यादव जी की। तो क्या मैं ये समझ लूं कि 12-13 जुलाई की विपक्षी एकता से पहले ये ऐलान भी हो सकता है कि सपा और बसपा अब एक मंच पे आ गए। लेकिन पिछली जो 2019 की जो गलतियां थी कि जब सपा और बसपा एक जगह आते हैं तो छोटे छोटे दल को ये इग्नोर कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक दो सीट चंद्रशेखर आजाद को भी दे दें, ओम प्रकाश राजभर को भी दे दें, ताकि पूरी यूपी में यह लगे कि बहुजन समाज एकता कायम हुई है। सावित्री बाई फूले को भी बुला लें, और भी बहुत सारे नेता हैं जैसे केशव देव मौर्य जो महान दल वाले हैं, और उन्होंने बगैर शर्त समर्थन दिया है कि बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है। सबको बुलाएं एकजुट होकर और तैयारी शुरू कर दें, ताकि विपक्षी एकता यह मान ले कि विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा बहन मायावती जी है, और इनको आगे करके पूरा विपक्ष लामबंद हो जाए, एकजुट हो जाए, तो यह मुकाबला काफी रोचक हो जाएगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।